जैसे ही ओम की शादी की तैयारियां होंगी, बहुत बड़ी शादी होने वाली है। जय जवान जय किसान। एंड आज है संडे, एंड संडे स्पेशल आज आप सभी लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। संडे के दिन है ना, हाँ। हमने दूध पी लिया सुबह सुबह, बट स्टिल आई हैव टू डू होमवर्क। हो ये होमवर्क संडे का नहीं है, ये कल का होमवर्क है जो हमको आज खत्म करना है ना, हाँ। क्योंकि कल का, आज संडे तो होमवर्क नहीं होता ना, हाँ। कल का होमवर्क बाकी है। तो अभी हमने बनाई है भिंडी की सब्जी एंड रोटी, एंड मुझे अभी गुड़ वाला पानी पिलाना है तोरी को पहले, एंड उनको भी रोटी खानी है ना, पापा को भी खाना है अभी। चलो 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 चलो, कि रामदेव अभी अभी गया है बगवदर, जो हमारा अभी पानी चल रहा है दूसरे खेत में, तो उसके लिए जो एक लाइन चाहिए, हाँ, वो टूट गई थी, सो वो लेने के लिए गया है अभी। हाय ओम, ओम की सुबह सुबह थोड़ी देर अंदर बैठता और फिर बाहर आउटडोर कुछ ना कुछ गेम स्टार्ट होती है। बहुत ही अच्छे क्लाउड्स दिख रहे हैं। ओम इस साइड में भी अभी यहाँ पे शिवानी है, शिवानी को भी गुड़ वाला पानी पीना है और तोरी को भी पीना है ना। तो इसमें है ये गुड़, तो ये मिक्स हो गया है गुड़ वाला पानी। तोरी नीचे रख रही हूँ, ठीक है, मैं हाथ लेके मेरा पी लो, गुड़ वाला पानी है पी लो, नखरे इसके ऐसे होते हैं ना, हाथ पे रखेंगे तो ही पिएगी। हाँ, गुड गर्ल, पी लो, नोटी तो पी लो, पानी भी चेंज कर दिया दूसरा, पी लो, नहीं पीना है। आज हम आपको एक हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है ढोल एंड सरनाई, वो लोग आने वाले हैं, स्पेशली हमें वीडियो बनाना था, तो हम वो आप सभी लोगों को सुनाएंगे। जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजपूत होते हैं, उनको डेफिनेटली ढोल सरनाई घोड़े तलवार ये चीज़ें होती है, वो उसके उसके खून में ही होती है, उसको अच्छी लगती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि मे बी किसी की फेवरेट कम होती है और ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्गली कोई डिसलाइक करना या सुनना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ सारे लोगों को ये देखना सुनना पसंद होता है, सो इसलिए हम आज आप सभी लोगों को ये हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो शादियाँ होती है या कुछ भी अच्छा होता है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ढोल होता ही है। फिर रामदेव आ गया, ये कुछ चीज़ें, ओके आखने वजह ये कुछ चीज़ें लेनी थी, उसकी ज़रूरत थी शायद, इसकी और इसकी, ओ अभी लाइट नहीं है ना, ओम ने दौड़ दौड़ के, ओम को गर्मी लगी है ना। ओके हाय एवरीवन, सो मेरे पास में ढोल दिख रहे हैं आपको, और ढोल बजाने वाले ये हमारे गांव के जो हिस्सेदार ढोली होते हैं उसको उनका हक रहता है। हमारे बखला जो हमारा गांव है बहुत ही पुराना, और ये खुद भी बहुत टाइम से ढोल बजाते हैं, ये 13 साल की उम्र से ढोल बजा रहे, और वो दोनों इनके बेटे हैं। आउट ऑफ गुजरात भी जा चुके, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत बार जा चुके, और गुजरात के पहले ढोली थे आउट ऑफ इंडिया जाने वाले, पेरिस रशिया वगैरह पे जगह वहाँ पे जाके भी इन्होंने ढोल बजाया, और इंग्लैंड में भी जयेश कई बार 3-4 बार ढोल बजा चुका है, वहाँ की शादियाँ भी हमारे कास्ट के जो लोग हैं उनकी होती है। तो ढोल का जो महत्व है हमारे, खास हमारी कास्ट में,
और हमारी साइड वो कुछ अलग ही है। सभी जगह हमें ढोल की ज़रूरत रहती है, शादियां हो या तो पुराने टाइम में जब लोगों को इकट्ठा करना होता था तब भी ढोल बजाते थे। तो ढोल बजते ही पता चल जाता है कि किस काम से ढोल बज रहा है, या तो बेटे की शादी हो उसमें भी ढोल बजाते, मतलब अच्छे काम में भी ढोल बजता है, और बाकी कुछ ऐसा रहता है इमरजेंसीज रहती है या लड़ाई जब होनी तो होती है तब भी ढोल की ज़रूरत रहती है। तो आज आपको दिखाते हैं अलग अलग, इसमें जो ताल होते हैं इसके वो ये लोग बजा के दिखाएंगे। रामू की शादी हो रही है, ढोल सुना अपने शहनाई के साथ। हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो, और अभी इन लोगों को जाने का टाइम भी हो गया है, तो ऐसे ही आते रहेंगे आगे जैसे ही ओम की शादी की तैयारियां होंगी। बहुत बड़ी शादी होने वाली है फ्यूचर में ओम की, होपफुली अगर ऊपर वाला सब ठीक रखे तो।
और बस यही ऐसे ही एंजॉय करते रहे, मज़ा आया सुन के, क्योंकि मुंबई में बहुत ढोल बजाते हैं ये 40 साल से मुंबई में। हमारे जो गुजराती समाज है हमारा मुंबई में पूना के पास, वहाँ पे 40 साल से नवरात्रि पे कपोली गांव, हाँ कपोली में करते हैं नवरात्रि बहुत टाइम से। तो और इनके ज़्यादातर रिलेटिव भी वहाँ हैं। और गणेश उत्सव जब होता है, आपको पता ही है महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा होता है गणेश उत्सव, तो उसमें भी ढोल बजाते हैं, तो बहुत ही अच्छी मराठी जानते हैं। अभी ये दादा ये भी बोल रहे थे कि ये ढोल जो भी कुछ चीज़ें होती है वो देखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन बोल रहे थे कि पहले जब हाथ से ढोल बजाते थे तो पता नहीं चलता था, हाथ में से खून निकलता था तो भी वो इतने ताल में होते थे कि पता नहीं चलता था, और बाद में जो ढोल में खून होता है वो स्टिक हो जाता है तो फिर उसको निकालते थे, तो अब तो वो स्टिक आ गई है। लेकिन इसमें भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड दादा बोलते हैं कि इसमें भी सुर होते हैं या जो सॉन्ग होता है उसके पूरे वर्ड्स के बीट के हिसाब से इसका पूरा चलता है। इसके अलग अलग ताल होते हैं ढोल के, वो समझने के बाद ही ढोल बजता है। बिना ताल के तो ढोल बजते ही रहते हैं, कई जगह बजते हैं, लेकिन जो ताल से ढोल बजता है तब हम सुनने वाले भी, जैसे हम वीडियो से बचपन से सुनते आ रहे हैं इनका ढोल, तो हम समझ जाते हैं कि ये ताल में बज रहे हैं या बेताल बज रहा है। ये हमारे खून में, हमारी सरनेम भी सेम है। जब पुराने टाइम में जब रजवाड़े थे तो इनकी सरनेम भी जेठवा ही है, और जब घुमली रजवाड़ा था जेठवाओं का, हम उसी के वंशज है, तो वहीं से चले आ रहा है, सबका साथ है और आगे भी ऐसे ही साथ रहेगा। ढोली भी सब जेठवा ही है। हाँ जेठवा है, रोटला है। अभी टाइम हुआ है 4:30, मैं एडिटिंग करने गई थी आफ्टरनून को गेस्ट थे, और बाद में हमने आज बनाई थी लापसी जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जिसमें गुड़ और घी डाला है मैंने गाय का घी। तो ये मैं खाने वाली हूँ। सब्जी है, ग्रीन चिलीज है साथ में, छाछ बटर मिल्क, और लास्ट में है हमारा स्पेशल स्वीट जलेबी जो मैंने बनाई नहीं है घर पे, रामदेव लेके आया सुबह, रामदेव की पापा की फेवरेट है।